चिल्ड्रन आज चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले चैप्टर 1 में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है किस प्रकार से उनको मिलता है। तो यहाँ हम जानेंगे एनिमल्स के अंदर। यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन सेपरेट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके द्वारा उनका खाना खुद बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा खुद नहीं बना सकते हैं। तो एनिमल्स कैसे बनाते हैं? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अब हमने ये तो देख लिया था पिछले जब वीडियो के अंदर कि जो प्लांट्स, आप यहाँ पर डायग्राम को देखते रहिएगा कि जो प्लांट देखेगी हमने प्लांट्स जो बनाए थे वो क्या करते हैं, वो अपना खाना सूरज की रोशनी, आपने देखा था ना सनलाइट के कारण और साथ में वाटर और नीचे से पृथ्वी से लेके वो अपना खाना बना लेते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो अब ये जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? अब एनिमल्स की बात करें, अब आप एनिमल्स में कोई भी एनिमल ले लीजिए, भले एक्स वाई जेड किसी भी एनिमल को ले लीजिए आप, तो वो अपना खाना कहाँ से लेता है? वो अपना खाना लेता है प्लांट से। समझिए हम बात करते हैं डियर की, बियर की, वट एवर जो जानवर हैं। अब ये जो भी प्राणी है, भले आप डियर ले लीजिए, अब ये क्या करता है, ये प्लांट को खाता है, ठीक है। और इसको खाने वाला जो एनिमल है वो है लायन, टाइगर एट्सेट्रा। अब डियर जो हिरन रहते हैं उनको लायन खाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो डियर है वो डायरेक्टली प्लांट को खाकर अपना खाना बनाता है, यानी कि ही इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो डियर जो है वो डायरेक्टली प्लांट को खाकर जीवित है, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस पर। लेकिन लायन जो है, लायन डियर पे डिपेंडेंट है, लेकिन डियर किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। तो लायन जो है वो उस प्राणी को खा रहा है जो प्लांट्स को खाकर बड़ा हुआ है। तो या फिर इस प्रकार से जो है एनिमल्स जो हैं वो आगे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है वो कहाँ से आता है? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स को खाता है डियर और डियर को खाता है लायन, ठीक है। तो लायन के पास एनर्जी कहाँ से है? एक्चुअल में तो देखिए कि अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर क्या खाएगा, और डियर नहीं खाएगा तो लायन क्या खाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट जो एनर्जी का सोर्स जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो वो पेड़ ही हैं। तो जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वही डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे लिए खाना देते हैं हमको। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। वी कॉल द ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो हमने देखा था कि सब ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ह्यूमंस भी आते हैं, इन सबको खाने की जरूरत पड़ती है ग्रोथ रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए हमें, बढ़ने के लिए, अपनी बॉडी के रिपेयर करने के लिए और फंक्शंस के लिए हमें चाहिए एनर्जी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फूड ऑफ मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वो आती है पहले न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि कितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, फिर मोड कि आप उसको कैसे खाओगे, हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, और फिर यूटिलाइजेशन कि उसको बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम गिवन बिलो। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज, हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये चीज़ तो हम जानते ही हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग कोई भी जो खाना खाते हैं वो खाना डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जो जाने के बाद वैसे ही यूटिलाइज नहीं होता, उसको तोड़ा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कोई भी कॉम्प्लेक्स यानी कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट चीज़ों का वो मिक्सचर होता है। जैसे कि आपको पता है जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारा का सारा वैसे यूज़ नहीं होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स मतलब ये चेन बना हुआ मिक्सचर है, फिर उसको ऐसे अलग अलग किया जाता है, वो हमारे बॉडी के अंदर का प्रोसेस है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में जो ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट फूड जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है
उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आप देखिए, खाने में आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, चावल खाए, सैलड खाया, दही खाया, छाछ पी, और भी मे बी बहुत सारी चीज़ें साथ में ली, मीठा खाया आपने, तो क्या वो सारी चीज़ें जाके पेट में, हमने तो भी मिक्स करके खा ली हैं सब एक साथ ही, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाके वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है और इसी को कहा जाता है डाइजेशन। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब कुछ बर्ड जो होते हैं वो नेक्टर, नेक्टर मतलब फूलों में से जो रस पीते हैं जिसको नेक्टर कहा जाता है। आपने देखा ना, मधुमक्खी होती है वो फूलों का रस पीती है, तितलियाँ फूलों के रस पे जीवित रहती हैं, तो ये होते हैं ये फूलों के रस पीते हैं। कुछ इंसानों की बात करें, अगर हम अपनी बात करें, हमारे जो बच्चे होते हैं इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनके बच्चे जो हैं वो मदर्स मिल्क यानी कि माँ के दूध पे पलते हैं। तो छोटे बच्चे जो हैं माँ का दूध पीते हैं। आप देखिए डॉग को देखिए, इवन पिग्स जो हैं, ऐसे जानवर जो हैं ये, इनके बच्चे जो हैं वे दूध पीते हैं अपनी माँ का। स्नैक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। और बात करें पाइथन यानी कि जो अजगर जैसे जानवर हैं वो अपने शिकार को निगल जाते हैं यानी कि खा जाते हैं, डायरेक्टली उसको निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, वो जो अपने आजू बाजू कुछ भी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड, छोटे छोटे फूड के टुकड़े हैं वो उनके आजू बाजू तैरते हों, तो उसके ऊपर वो फीड करते हैं, अपजीवित रहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट बताया गया। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। अब यहाँ जो पिक्चर में आप देख रहे हो ये है स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती है? स्टारफिश जो खाना खाती है वो खाती है सिर्फ शेल वाले एनिमल्स, शेल मतलब जिसके ऊपर शेल बनी हो कैल्शियम कार्बोनेट की। आपको ध्यान होगा सीप, आपने देखी होगी ना समुद्र के अंदर सीप होती है जो इस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसके ऊपर शेल यानी कि शंख जो मिलते हैं जैसे, वैसे शेल होती है इसके ऊपर। और क्या करता है स्टारफिश, जाके इसको, ये शेल जो है बाहर से हार्ड होती है तो उस शेल को खोलता है ये स्टारफिश, और इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल होता है, और स्टारफिश का जो पेट है वो पेट इसके अंदर चला जाता है, और वो इसमें से सारी चीज़ें पेट के अंदर जब चली जाती हैं और पेट फिर वापस इसके पेट, इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी कि वो पेट को बाहर निकाल के एक बार यहाँ भेज देती है, और फिर खाना जब पेट के अंदर चला जाता है फिर से वो पेट इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर खाना डाइजेस्ट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये स्टारफिश की बॉडी की बात की जा रही है, ये कुछ डिफरेंट चीज़ है। देन डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की बात करते हैं कि आप लोग, हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है खाना। वी टेक इन फूड थ्रू माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम खाना जो है मुंह से खाते हैं, पेट में डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं यानी कि उससे मिलने वाली एनर्जी को हम उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो पार्ट ऑफ फूड यानी कि खाना जो है वो पूरा तो हम लोग नहीं खाते हैं ना, जो भी हम खाते हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए वेस्ट होती है यानी कि जो कि हमारी बॉडी में पचता नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम बॉडी से बाहर फेंक देते हैं जिसको हम डेफिकेट बोलते हैं, करना, डेफिकेट करना यानी कि बॉडी से बाहर फेंकना। Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. तो हमारी जो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज बक्कल कैविटी, ये देखिए यहाँ जो पार्ट बताया गया, दिस इज बक्कल कैविटी, यहाँ से कैनल शुरू होती है और ये ख़त्म होती है एनस के ऊपर, यानी कि यहाँ से हमारा खाने का प्रोसेस शुरू होता है यानी कि मुँह से, और ख़त्म होता है एनस के ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमारा जो ये सब ख़त्म होता है खाने का प्रोसेस। तो हम उसको डिटेल में जानेंगे कैसे होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इन टू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो कैनल है इसको हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला है बक्कल कैविटी, दूसरा फूड पाइप, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पिक्चर में भी आपके सामने क्लियर हो जाएंगे जो भी पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे। तो पहला बक्कल कैविटी है जो कि आपने ऊपर देख लिया है माउथ के पास, ये देखिए बक्कल कैविटी। उसके बाद आता है फूड पाइप, इसोफेगस भी कहा जाता है, और दिस इज द फूड पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं, यहाँ देखिए नोटिफाई किया गया। उसके बाद है स्टमक, ये है आपका स्टमक जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन कम्स रेक्टम, एंड द लास्ट वन इज एनस। ये सब आपके पार्ट्स हैं।
इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है? देखिए ऊपर से शुरू होता है और एकदम लंबा चौड़ा, देखिए क्या क्या इसमें से हो रहा है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल दैट इज डाइजेस्टिव ट्रैक। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट जूस डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इंटू सिंपल वन। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जितने भी हमने चीज़ें देखी हैं, ये हर एक के जब ये जैसे खाना यहाँ से एंटर होता है, उसके बाद नीचे जाता है, तो हर एक जो स्टमक है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसकी जो वॉल्स हैं दीवारों के साथ, वो बहुत सारे दीवारों से जो, यानी कि जैसे कि आप यहाँ ही ले लीजिए, ये पैनक्रियास दिया गया, देखिए ये ग्लैंड है, दूसरा है सैलिवरी ग्लैंड जो यहाँ देख रहे हैं आप, तीसरा आपके सामने लीवर, तो ये सब ग्लैंड्स हैं। तो ये तीनों जो हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, यानी कि इनके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ऐसे जूस निकलते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और ये जूसेस जो हैं ये सिंपल मटेरियल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सब मिलकर हमारा ये जो पूरा जो सिस्टम है ये मिलकर बनाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है डाइजेशन का फंक्शन। अब हम देखेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन का काम होता है, क्या कौन सा पार्ट जो है क्या रोल निभाता है। तो माउथ की बात करें, द माउथ एंड बक्कल कैविटी, हमारा मुंह और बक्कल कैविटी जिसको हम कहते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इंटू स्मॉल पीसेस। हम बक्कल कैविटी या फिर मुंह जो है हमारा, उससे हम खाने को अंदर लेते हैं मुंह के, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। याद रखना आपको, व्हाट इज इंजेशन, द टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। और खाना जो है यहाँ पर दांत और दांतों की मदद से तोड़ा जाता है, यानी आपको पता है ना हम खाने को कैसे ग्राइंड करके तो चबा चबा के खाते हैं, तो इसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं यहाँ पर। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और हमारे इस काम के लिए यानी कि दांत जो हैं वो अलग अलग जगह पर एडजस्ट किए गए होते हैं। दांत आपको बताइए हमारे 32 दांत होते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हमारे जो दांत हैं वो देखने में अलग अलग होते हैं और अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, यानी कि सारे दांत जो है एक ही काम नहीं करते हैं, किसी का काम कुछ होता है किसी का कुछ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर बहुत अच्छी बनी, ये मोलर है जो इस तरह के दांत है उसको मोलर कहा जाता है, जो ऐसे होते हैं इसको प्रीमोलर कहते हैं, ये कैनाइन है और ये इंसिसस है। और ये बताए गए कितने, देखिए मोलर आपके पास 6 होते हैं, देखिए 3 इस तरफ हैं और 3 इस तरफ, 6 मोलर होते हैं और 4 आपके पास प्री मोलर होते हैं, देखिए 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, दीज आर प्री मोलर। कैनाइन भी हमारे पास 2 होते हैं और इंसिसस जो हैं 4 होते हैं, टोटल मिला के ये हो गए हमारे 16, और 16 ही हमारे ऊपर होते हैं, नीचे के दांत दिखाए गए तो ऊपर भी 16 ही होते हैं, 32 दांत हो गए। नाउ विच वन ऑफ वंस फॉर पेसिंग एंड टीयरिंग, यानी कि इसमें अलग अलग फंक्शन रहते हैं, कोई खाना चबाने के लिए होता है, देखिए इसका सरफेस ऊपर से बड़ा ही चौड़ा है ऊपर से, तो यहाँ पे खाना चबाने का काम होता है, ये भी थोड़ा इसी प्रकार का है लेकिन ये तीखा है, ये खाने को या किसी चीज़ को टीयर करने के काम आता है इंसिसस। तो ये अलग अलग दांत जो है इनका अलग अलग फंक्शन है। आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा, हमारे मुंह के अंदर जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था कि यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, वो कहाँ होते हैं हमारे माउथ के अंदर, देखिए दीज आर सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारे मुंह के अंदर होते हैं और क्या करते हैं, ये हमें खाना इजीली हम चबा पाए इसके लिए सैलिवरी ग्लैंड से हमारे मुंह के अंदर सलाइवा सीक्रेट होता है, जिसको हम थूक भी कहते हैं, जो थूक बनता है ना हमारे मुंह में, इट इज़ बिकॉज ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। आप जानते हो थूक नहीं बनेगा तो फिर खाना कैसे सूखा सूखा खाओगे। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, तो सलाइवा जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है वो आप खुद कर लेंगे। तो सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर में तोड़ना। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, हमारी जो जीभ है वो पीछे की तरफ जुड़ी होती है, आपको पता है जीभ पीछे से आ रही होती है काफ़ी दूर से। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, जीभ जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, आप टंग का फंक्शन जानते हैं, आपको जीभ का फंक्शन पता है। वी यूज़ आर टंग फॉर टेकिंग
बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन द स्वेलिंग ऑफ फूड। तो जो सलाइवा है वो खाने के साथ मिक्स होकर उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, और जब हम चबाते हैं तो वो खाना टूटता है, आसानी से एक मिक्सचर सा बन जाता है, यानी कि एक लिक्विड सा बन जाता है खाने का। और इस तरीके से ही हम आसानी से कुछ चबाकर निगल सकते हैं, क्योंकि सूखा सूखा आप जानते हो कि ऐसे तो आप निगल नहीं पाओगे, लेकिन चबाने के बाद वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और निगलने में काफ़ी आसानी हो जाती है इस चीज़ को। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अ टंग, हम खाने को अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, हमें पता लगता है कि खाना अच्छा है बुरा है, स्वाद है नहीं है, मिर्च ज़्यादा है नमक ज़्यादा है, वो सब चीज़ें हमारी टेस्ट जो है वो जीभ से होता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, हमारी जो टंग है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि मीठे के लिए अलग टेस्ट बर्ड होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कुछ स्वीट एंड टूथपिके के बारे में बताया गया कि मीठा खाने से कैसे जो है हमारे दांत सड़ जाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये आपकी जीभ की फोटो है, यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं दिस इन 2.6, ये आपकी जीभ है और जीभ के अलग अलग रीजन दिए गए। देखो ये देखो ये अलग अलग टेस्ट बर्ड्स हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ये टेस्ट मिलेगा एट्सेट्रा, तो अलग अलग टेस्ट के लिए आपको अलग अलग जीभ के पार्ट्स पे जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो आप जब आपका जो जो पार्ट खट्टे के लिए बना, जब खट्टा टेस्ट वहाँ पहुँचेगा तभी आपको खट्टे का एहसास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। द फूड पाइप और इसोफेगस, इसोफेगस की बात करते हैं, फूड पाइप की बात करते हैं, फूड पाइप और इसोफेगस एक ही चीज़ है, फूड पाइप को इसोफेगस कहा जाता है। द स्वेलोड फूड पासिस इन टू द फूड पाइप और इसोफेगस, जो खाना हम खाते हैं वो फिर चबाने के बाद हम फूड पाइप या इसोफेगस के द्वारा नीचे ले जाते हैं, जैसे कि फिगर 2.2 में हमको बताया गया। देखिए यहाँ पर 2.2 के अंदर हम देखें तो ये फूड, देखिए फूड कैसे यहाँ से जाता है, फूड हमारे यहाँ से एंटर हुआ इसोफेगस के द्वारा, वो स्टमक में पहुँचता है। तो स्टमक के अंदर खाना जो है वो इसोफेगस के द्वारा ही पहुँचाया जाता है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, फूड पाइप जो है नेक गर्दन से शुरू होती है, एंड द चेस्ट चेस्ट से होती है वो नीचे को जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप के जो मूवमेंट करते हैं वॉल, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं, देखिए यहाँ से खाना ऐसे अंदर जाता है और फिर ये दीवार फूलती सिकुड़ती रहती है, इस कारण से खाना जो है नीचे आगे बढ़ता रहता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आर स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट, रिकॉल द इंस्टांसिस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विद योर पेरेंट्स और टीचर। कभी कभी जो हम खाना है वो खाते हैं तो हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हम उसको वोमिटिंग के द्वारा बाहर फेंक देते हैं। स्टमक की बात करेंगे, द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, स्टमक एक थिक वॉल का बना हुआ एक बैग है और इसका शेप जैसे जे की तरह होता है, जे होता है ना हमारा अल्फाबेट जे होता है, जैसे इसी प्रकार से इसका एक फ्लैट शेप है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड, ये जो है स्टमक एक तरफ से वो फूड पाइप से खाना उसको वहाँ तक पहुँचता है और दूसरे एंड से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर खाना जो है ये फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है, तो स्टमक का एक हिस्सा फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा जो स्टमक का है वो जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड, अंदर की जो लाइनिंग होती है स्टमक की, स्टमक यानी कि अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ से म्यूकस निकलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं। म्यूकस जो है वो हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग को, अंदर की जो दीवारें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, और एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो बैक्टीरिया को मार देता है जो कि खाने के साथ हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से जो खाना है वो एसिडिक बन जाता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर एसिड बन जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर एक्ट करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस हमारे निकलते हैं पेट के अंदर या इंटेस्टाइन या ग्लैंड्स के अंदर, जैसे हमने पीछे देखा था कि लीवर सेलिवरी ग्लैंड्स वगैरह जो सिक्रीट करते हैं, उस सिक्रीशन को वो जूसेस के साथ मिक्स करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो फिर प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में बदलने का काम करते हैं। आगे देखेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग,
स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 7.5 मीटर लंबा होता है, यानी कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को खोल के सीधा सड़क पर रखे तो 7.5 मीटर लंबा होगा, काफ़ी लंबा है ये। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड द पैनक्रियाज, इसके अंदर लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया गया जो जूस होता है वो यहाँ पहुँचता है। इसकी वॉल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर भी लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया गया जूस तो पहुँचता ही है, लेकिन सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी करता है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड, लीवर कैसा है, एक रेडिश ब्राउन यानी कि ब्राउनिश रेड कलर का एक ग्लैंड है जो कि पेट के ऊपर की तरफ होता है और थोड़ा राइट साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, इससे बाइल जूस निकलता है जो कि एक सैक, एक बोरी जैसा एक चीज़ होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर से ये बाइल जूस निकलता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, अब बाइल क्या करता है, बाइल जो है फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज एक लार्ज एक बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इंटू सिंपलर फॉर्म्स, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर यानी कि पेनक्रियाज से निकलने वाला जो जूस होता है, पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज से निकलने वाला जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इनके ऊपर एक्ट करता है और इनको सिंपल फॉर्म में बदल देता है। तो सिंपल फॉर्म में ये जो खाना है यहाँ पर बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सब चीज़ें सिंपल सब्सटेंस में जब टूट जाती हैं तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज़ डाइजेस्टेड बट नॉट कम्प्लीटली, यानी कि कम्प्लीट डाइजेस्ट यहाँ पर अभी नहीं हुआ था। तो क्या होता है, फिर खाना जो है वो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे के पार्ट में जाने लगता है जहाँ पर इंटेस्टिनल जूसेस जो हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है और डाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंटेस्टिनल जूसेज, यानी कि इंटेस्टाइन में जो जूस क्रिएट किए जाते हैं उन जूसेज के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इंटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स। तो इसी दौरान कार्बोहाइड्रेट जो होता है बॉडी के अंदर वो सिंपल शुगर में बदल जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट है फैटी एसिड में बदल जाता है और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, और प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है अलग अलग जूसेस जो कि अलग अलग ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, उन सब की मदद से ये जो जूस है इन सब के द्वारा जो जूस छोड़ा जाता है वो जूस मिक्सअप होने से जो खाने का डाइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पूरा होने लगता है। सो वेलकम बैक चिल्ड्रन, हमारा चैप्टर जो सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप जैसा कि देखते हैं देख चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर कि हमने काफ़ी कुछ इसमें से क्लियर आउट कर लिया था। तो आज जो हम शुरू करेंगे जो टॉपिक्स वो कौन से हैं हमारे, सो चलिए सीधा मूव ऑन करते हैं उसी पेज पर जहाँ पर हमें आज पढ़ना है। तो हमारा आज का टॉपिक है वो पहला है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा था पिछले वीडियो के अंदर कि किस तरह से खाना जो है वो माउथ के द्वारा बकल कैविटी से होता हुआ इसोफेगस यानी कि हमारी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है और कैसे वो आगे पहुंचता है वहां से। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी बॉडी के अंदर वो खाने से क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना रहता है बच्चों, जो डाइजेस्टेड फूड है, अब देखो खाना तो देखिए काफ़ी ऊपर से स्टमक से होता हुआ डाइजेस्ट होता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा पास हो सकता है और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, यहाँ तक इतना आपको याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन क्या है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर वो खाना जो है डाइजेस्टेड पास हो सकता है और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसकी दीवार के ऊपर यानी कि
जिसकी बाउंड्री होती है वहाँ पर छोटी छोटी फिंगर जैसे उंगलियाँ होती है ना, वैसे प्रोजेक्शंस होती हैं उंगलियों की तरह दिखने वाली, जिसको विली कहा जाता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फस। अब आप बोलेंगे कि इसका मतलब यूज़ क्या होता है, तो बच्चों इसके यूज़ के लिए बात करें कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो कि आप एक ग्लास पानी का भर के रख दिया धूप में, भले भले आप धूप में रख दीजिए इस ग्लास को, पानी में पानी के ग्लास को धूप में रख दिया, और ये क्या ये एक दिन में सूख जाएगा पानी इसके अंदर से? बिल्कुल नहीं, ये मेरे ख्याल से कई दिन निकल जाएंगे, एवेपोरेट होकर धीरे धीरे ख़त्म होगा ये पानी, लेकिन इसमें कई दिन लग जाएंगे। लेकिन वहीं जब आप एक गिलास पानी जो है वो अपने छत के ऊपर या कहीं भी फर्श पर फेंक देते हो तो वो कुछ ही घंटों के अंदर सूख जाता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि जब पानी ग्लास के अंदर होता है तो उसका सरफेस एरिया यानी कि वो इतनी जगह पे ही वो उतना सरफेस ऊपर ऊपर का जितना वो ग्लास होता है उसके हिसाब से वो उड़ता है, लेकिन जब उसी को आप एक चौड़ी जगह पर एक चौड़ी प्लेट के अंदर एक ट्रे के अंदर डाल के रख दोगे तो जल्दी सूख जाएगा, तो सरफेस एरिया। वैसे ही यहाँ पर जो विली है वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का, तो यानी कि विली ज़्यादा विली होने से जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, और हर एक विली जो होती है वो ब्लड वेसल से जुड़ी होती है, छोटी और बड़ी ब्लड वेसल से जुड़ी होती है, और इससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल। जो विली का सर्फेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटीरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसीलिए विली जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करती है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर देयर आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब आगे जो प्रोसेस है वो क्या है कि यहाँ पर जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब किया जाता है फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब तक क्या था कि जो फूड है उसको डाइजेस्ट किया गया था, फिर आगे जब वो एंटर हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो वहाँ पे उसको विली ने एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्ब्ड फूड जो है इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर। आपको पता है कि हर एक ऑर्गन को ब्लड तो चाहिए, हमारी बॉडी जो है पूरी ब्लड से भरी हुई है वैसे भी, तो जो ब्लड के द्वारा जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ब्लड के द्वारा जो ये फूड मटेरियल है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि प्रोटीन बनाने के लिए या फिर अदर बॉडी के कामों के लिए भी। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है असिमिलेशन, यानी कि खाना एब्जॉर्ब किया जाता है विली के द्वारा और ब्लड वेसल्स के द्वारा ईच एंड एवरी पार्ट ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है ताकि वो प्रोटीन्स वगैरह बना सके अपनी बॉडी के लिए जो हमको चाहिए, तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल्स की बात करें, सेल के अंदर की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से, और वो ब्रेक डाउन होकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है और उससे बनता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, यानी कि ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की मदद से। हम जब खाना खाते हैं आपको पता है ना हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आता है तो एक प्रोसेस होता है, एक क्रिया होती है, एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है उस समय, और इस प्रोसेस के दौरान काफ़ी एनर्जी भी पैदा होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हमने देखा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और बचा हुआ खाना जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको हम आगे भेज देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन छोटे इंटेस्टाइन स्मॉलर से बहुत चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है। हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटा होता है, वो लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है, उसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल। अब हमने देखा कि ज़्यादातर जो डाइजेशन का प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो गया है, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? ये वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि कुछ वाटर और सॉल्ट जो है वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इन टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट होता है वो पास हो जाता है रेक्टम में और वहाँ पर सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में रहता है, यानी कि एकदम सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड या एक फेसेस कहा जाता है इसको, इसके रूप में वो रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाता है।
द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजेशन। और यहाँ पर जो फेसेस की बात कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी से एनस के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है समय समय पर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर भी वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको पास किया जाता है बॉडी के बाहर, यानी कि जिस प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं। नाउ अगला टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, जो घास खाते हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है? हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। जो जानवर होते हैं जो घास खाने वाले, वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यू खाना खाते ही रहते हैं, लेकिन जब वो बैठे, आपने देखा होगा वो बैठ कर अपना मुंह हिलाते रहते हैं, जिसको हम हिंदी में जुगाली करना कहते हैं। आपने गाय को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, वो कंटिन्यूस अपना मुंह हिलाते रहते हैं, वो खाना खाते हैं तब तो ठीक है, उसके अलावा भी उनका मुंह हिलता ही रहता है। एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो खाना जो है, घास जो है, वो जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। जब उनको घास दी जाती है ना खाने को, उस समय उसको चबा कर नहीं खाते, उसको स्वेलो करते हैं, यानी कि निगल जाते हैं। और उसको निगल कर वो कहाँ रख लेते हैं, अपने पेट के अंदर, उस पार्ट के अंदर जिसको र्यूमेन कहा जाता है, तो र्यूमेन के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कट। अब जो उनका र्यूमेन है, जो पार्ट बॉडी का, पेट का जो पार्ट होता है, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो र्यूमेन, र्यूमेन कौन सा है, ये पार्ट जो आप देख, दिस इज कॉल्ड र्यूमेन, आप देख सकते हैं। तो र्यूमेन के अंदर खाना जो है पार्शियली डाइजेस्ट होता है, थोड़ा डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली नहीं होता है, और इसको कहा जाता है कड। क्या कहते हैं इसको, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्ब्स एंड द एनिमल च्यूज इट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। अभी जो खाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी, खाना देखिए सीधा जब भी घास खाते हैं तो घास यहाँ जाकर रख लेते हैं ये लोग, और यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्ट होता है ये। उसके बाद जब भी ये फ्री बैठे होते हैं, यानी कि ये खाना नहीं खा रहे होते, तब ये खाना इनके मुँह में वापस आ जाता है और फिर से ये चबाते हैं इसको। चबाने के बाद फिर ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन का जो होता है, और जब ये वापस इनके मुंह में आता है और इसको ये चबाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है रूमिनेशन। इसको कहते हैं रूमिनेशन, और इन एनिमल्स को इसीलिए रूमिनेट्स भी कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास, ये जो घास खाते हैं, वो सेल्यूलोज के अंदर बहुत रिच होती है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल्यूलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। इन रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। अभी जो एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले, इनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि रूमेन के अंदर, यानी कि रूमेन जो कि बॉडी का पार्ट है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये बैक्टीरिया जो है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये जो प्रोटीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ये लेते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब ये फिर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं एक बैक्टीरिया की मदद से, लेकिन इंसान जो है, उनके पास ये बैक्टीरिया नहीं होता है, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हर एक एनिमल जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एट्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। अब जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि घोड़े के बारे में बोला गया, रैबिट के बारे में बोला गया, इनके पास एक सैक, एक बोरी जैसा इनकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं सैकम। एंड ये सैकम होता कहाँ है, बिटवीन द इसोफेगस एंड इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो पोजिशन है वो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। सेल्यूलोज जो होता है खाने के अंदर, वो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया की मदद से एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है इंसानों में प्रेजेंट नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में देखा, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राणी भी हैं जिनका माउथ नहीं होता है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। तो फिर वो खाना खाते कैसे हैं, फिर वो खाना पचाते कैसे हैं, फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? तो चलिए ऐसी कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं अभी। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर फीडिंग की बात करते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है वो पॉन्ड, यानी कि रुके हुए पानी में पाया जाने वाला एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है।
ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक सिंगल सेल्ड होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल्ड जिसको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड का मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल से बना होता है। तो इंसान जो है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के पास जो भी काम बॉडी उसकी करती है वो सर्फ एक ही सेल से किया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है इसके अंदर राउंड, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, और कुछ बबल जैसे दिखने वाली छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जो कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये देखिए न्यूक्लियस है, और ये किस प्रकार से यहाँ पर ये फोटो वैक्यूल देख सकते हैं आप छोटे छोटे, और कैसे ये काम करता है वो हम देखते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजिशन, अमीबा जो है अपनी पोजिशन और अपना शेप कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिडोपोडिया। इसकी देखिए इसका शेप ऐसा होता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिडोपोडिया इसको कहा जाता है। सिडोपोडिया हम बोल सकते हैं कि एक फॉल्स फीट भी इसको कहा जाता है। फॉल्स फीट मतलब झूठा पैर जो कि इसको मूवमेंट करने में मदद करता है और खाना खाने में। आप देखिए यहाँ पर जो अमीबा है, देखिए इसका शेप कैसा है, जैसे कि ये सब समझिए कि अमीबा आपको ऐसा दिख रहा है शेप में, लेकिन अगले ही पल ये खाना खाने के लिए और मूवमेंट करने के लिए इसका शेप इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से जब शेप दिखेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर खाना जो होता है उस खाने को ये कैप्चर करने के लिए, देखिए समझो कि यहाँ पर खाना है, ये मैंने जो ग्रीन यहाँ पर सर्कल जो डॉट किया है समझो कि ये खाना है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये आगे से इसको ऐसे पैक कर देगा और इसको खा जाएगा। तो ये जो जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं जो उंगलियों की तरह दिखाई दे रही है, इसको सिडोपोडिया कहा जाता है, जिसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, इससे ये आगे बढ़ सकता है यानी कि मूवमेंट कर सकता है और खाना भी इससे कंज्यूम कर सकता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सिटोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। अमीबा जो है वो छोटे छोटे प्राणियों पे अपना जीवन गुजारता है, और जब उसको खाने का पता लगता है तो अपने आगे की तरफ बढ़ता है सिडोपोडिया की मदद से, और खाने के चारों तरफ सिडोपोडिया से उसको कवर कर लेता है, जैसे मैंने आपको अभी बना के एग्जाम्पल दिया वैसे, और फिर उसको खा जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और फूड जो है वो यहाँ पर वैक्यूल, फूड वैक्यूल आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये दोनों फूड वैक्यूल्स जैसे दिखाई गए, तो खाना इनके अंदर फंस के रह जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल्स, अब फूड वैक्यूल जो है वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रेट किए जाते हैं, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेज, और जो फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेज आए हैं वो खाने के ऊपर यानी कि जो भी उसका भोजन है जो भी इसने खाया है उसके ऊपर वो लग कर उसके ऊपर गिर कर उसको सिंपल सब्सटेंस में बदलने का काम करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड, और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगता है। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब की गई हैं खाने में से उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उससे ग्रोथ मेंटेनेंस और मल्टीप्लीकेशन में यूज में लाया जाता है उस फूड के द्वारा मिली गई एनर्जी को। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो खाना जो है अनडाइजेस्टेड यानी कि जैसे हमारी बॉडी में हमने देखा था ना कि सारा कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू बोलते हैं जो चीज़ बच जाती है एंड में अवशेष, उसको बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है फूड का डाइजेशन जो किया जाता है और एनर्जी का रिलीज किया जाता है ये सब एनिमल्स के अंदर लगभग सेम जैसा ही है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ, और आने वाले चैप्टर्स के हम जानेंगे के अंदर हम जानेंगे कि फूड जो है वो कैसे इंटेस्टाइन से आगे पहुँचता है, एब्जॉर्ब किया जाता है जब उसको, तो आगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वो पहुँचता है, तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं और ये जो चैप्टर इसमें हमने क्या पढ़ा इसकी शॉर्ट समरी एक दी गई है ये ब्लू बॉक्स के अंदर, आप इसको भी रीड कर सकते हैं और काफ़ी जो चैप्टर है उसको शॉर्टली आप समझ सकते हैं। और आगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स ब्लैंक्स वगैरह दिए गए हैं जो कि आप बुक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।